हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेसन डायरी। चैप्टर नंबर 2 का ये सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट फाइंड किया था। एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलता है हमें, के क्यू बाय आर। अब स्टूडेंट उसी को टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड करते हुए, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ के इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल उसकी एक्सिस पे उसके इक्वेटर पे फाइंड किया था। रिकॉल कीजिए वो टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस एंड इक्वेटर ऑफ डाइपोल। इसी तरीके से अब हम आज इस सेकेंड लेक्चर में डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, और सेकेंड डेरिवेशन लेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटर ऑफ अ डाइपोल। तो एक डाइपोल ले लेते हैं, यानी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, सपोज दिस इज माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। तो ये सिस्टम हो गया मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल। टोटल डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं 2a। ओके, यहाँ पे सेंटर पे एक पॉइंट ले लेता हूँ O। अगर ये टोटल 2a है तो ये A होगा और ये कितना होगा, A होगा। अब पहला मैं डेरिवेशन ले लेता हूँ, फर्स्ट ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ फाइंड करता हूँ मैं, एक्सिस पे। तो ये हमारा डाइपोल है और ये डाइपोल की क्या हो जाएगी, एक्सिस। अब इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ P। ये P, ये पॉइंट O आपके डाइपोल का सेंटर, वहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, सपोज x डिस्टेंस पे है। सो आई एम कंसिडरिंग अ पॉइंट P वेयर आई नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल। वो P हमारे O से कितना दूर है, x डिस्टेंस पे दूर है। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पे कितना होगा, सपोज इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ नंबर 1 और इस वाले चार्ज को नाम दे देता हूँ नंबर 2। तो पोटेंशियल ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2, पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, चलो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर। तो के क्यू, हमेशा मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल की फॉर्मूला है वी इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, जहाँ ये क्यू आपको किसके साथ लेना है, साइन के साथ लेना है। तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव क्यू अपॉन में डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस आपका इससे इस पॉइंट तक, ये माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस चाहिए। तो देखो ये है एक्स प्लस ए, इतना एक्स प्लस ए, तो ये माइनस क्यू और पी उनके बीच में डिस्टेंस कितना मिला, एक्स प्लस ए। चलो इसकी वजह से पोटेंशियल, तो इसकी वजह से होगा के पॉजिटिव क्यू अपॉन में डिस्टेंस, तो प्लस क्यू और पी का डिस्टेंस ये, तो ये मैं क्या कह सकता हूँ, इस डिस्टेंस को पूरा है x और उसमें से ये a माइनस कर दो तो x माइनस a। नाउ इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ये माइनस में बाहर ले लेता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं, दोनों में से k q कॉमन, तो यहाँ से बचेगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस a और यहाँ से बचेगा प्लस वन अपॉन एक्स माइनस a। अब स्टूडेंट इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, फर्दर एलसीएम लेंगे, इसकी टोपी इसके सर, सो इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन, ये इधर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस एक्स प्लस ए, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स प्लस ए, और अपॉन में दोनों का अंदर अंदर मल्टीप्लीकेशन, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। ओके स्टूडेंट, कुछ नहीं किया, एलसीएम किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, चलो इज इक्वल्स टू के क्यू, देन अंदर में माइनस एक्स प्लस एक्स कट हो जाएगा तो ए प्लस ए कितना बचेगा, 2a एंड अपॉन में ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स प्लस ए है एक्स माइनस ए है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फाइनली 2aq हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, तो डाइपोल मोमेंट P अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जो 2aq है उसके बदले मैंने क्या लिख दिया, डाइपोल मोमेंट P। सो वी गॉट द फॉर्मूला के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ऑन एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब कंडीशन ले लेते हैं कि अगर
कंपेयर टू दिस डिस्टेंस यानी कंपेयर टू ए, अगर आपका x बहुत बड़ा है यानी कि ये p बहुत दूर है, सो इफ x इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन a, अगर x बहुत बड़ा है a से, तो हम ए स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देंगे। कंपेयर टू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बहुत छोटा होगा, तो ए स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दो, तो हमारी फॉर्मूला बन जाएगी के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमें मिला पोटेंशियल एट पी। अब स्टूडेंट आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड या डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलती थी हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती थी 2kp अपॉन जेड क्यूब इंटू पी यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो फिर यहाँ से ये हटा देता हूँ, डायरेक्शन ऑलरेडी पता चल गई, 2kp अपॉन जेड क्यूब आती थी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे प्रोपोर्शनल थी 1/z³ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सिस पे प्रोपोर्शनल है 1/x²। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमने डिराइव किया ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब हम क्या करते हैं, इक्वेटर पे डिराइव करते हैं। सेकंड टास्क हमारा क्या है, इक्वेटर पे डिराइव करना। आप इतना लिख लो, फिर हम इक्वेटर पे डिराइव करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, अब हम डाइपोल के इक्वेटर पे कोई पॉइंट ले लेंगे और इक्वेटर पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो हम फाइंड करते हैं। सो ये हमारा माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। सो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, डाइपोल का इक्वेटर, सो दिस विल बी द इक्वेटोरियल लाइन, सेंटर में, बीचों बीच में। तो ये हमने ले ली डाइपोल की इक्वेटर, ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं O, सो ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस भी A। अब आपके इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, सपोज ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं, इसको नाम दे देता हूँ P। सो पॉइंट P माइनस Q से ये डिस्टेंस पे होगा और प्लस Q से ये डिस्टेंस पे होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे P पे जो पोटेंशियल मिलेगा ना वो ज़ीरो होगा। कैसे ज़ीरो होगा वो हम डिराइव कर लेंगे। आप पहले थीम समझ लो कि ज़ीरो क्यों होगा। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी फॉर्मूला है के क्यू बाय आर। तो पोटेंशियल अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड अपोजिट है और डिस्टेंस सेम है तो इसकी वजह से आपका पोटेंशियल बनेगा माइनस के क्यू बाय आर और इसकी वजह से प्लस के क्यू बाय आर और ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगी, ज़ीरो। क्यों? दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल इक्वेटर पे है। सो सपोज दिस इज ए और ये डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ x। आपका जो पॉइंट P है कितना दूर है सेंटर से, x डिस्टेंस पे है। सो यू विल गेट दिस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली ये भी आपको मिलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। सो वी गॉट द फॉर्मूला कि पोटेंशियल एट पॉइंट P, P पे पोटेंशियल कितना होगा इसकी वजह से K माइनस क्यू अपॉन में जो भी डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन अगेन प्लस इसकी वजह से के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्या फॉर्मूला है, के क्यू बाय आर यानी के क्यू बाय डिस्टेंस। के ये यहाँ से चार्ज ले लिया और ये डिस्टेंस, इसके लिए भी के चार्ज ले लिया और डिस्टेंस ले लिया। अब स्टूडेंट ये एक नेगेटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है, आंसर आएगा ज़ीरो। सो ऑन द इक्वेटर ऑफ अ डाइपोल आपको पोटेंशियल नहीं मिलेगा, कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलेगा आपको, ज़ीरो मिलेगा। सो इसी तरीके से सपोज ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन है, दिस मार्क ये इक्वेटोरियल लाइन है, यानी कि यहाँ पे आपके पास एक चार्ज माइनस है, एक चार्ज प्लस है, एंड दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन। तो इस पूरी इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। अब स्टूडेंट हम एक जनरल केस डिराइव करेंगे। ये तो था पॉइंट ऑन एक्सिस, पॉइंट ऑन इक्वेटर। कोई मुझे कह दे कि रैंडमली कहीं भी एक पॉइंट यहाँ पे अ पॉइंट एनी वेयर ऑन द डाइपोल, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलेगा वो हम फाइंड कर लेते हैं। आप इतना नोट कर लो। ऑलराइट स्टूडेंट, अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन डाइपोल। डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा वो फाइंड आउट करना है। सो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इधर मैं एक पॉइंट पी ले लेता हूँ।
आप पी कहीं भी ले सकते हो, इधर 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 इधर, लेकिन पी की पोजीशन बता देते हैं कि ये सेंटर से पी है डिस्टेंस आर, और पी कितना एंगल बना रहा है डाइपोल की एक्सिस के साथ, थीटा एंगल बना रहा है. सो आई नीड टू फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल एट पॉइंट पी. ये पी किसी भी एंगल पे हो सकता है, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, तो मैं फाइंड करना है पी पे. अब स्टूडेंट ये जो अब डेरिवेशन हम करेंगे ना वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये डेरिवेशन करने से आपको इक्वेटर और एक्सिस के ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएंगे. यानी कि एग्जाम में अगर आपको पूछा है 2 या 3 मार्क में ओनली फॉर एक्सिस, तो जो स्टार्टिंग में डेरिवेशन किया वो कर दो. पूछा है ओनली फॉर इक्वेटर तो फटाक करके आंसर डाल दो 0. लेकिन एग्जाम में दोनों के लिए पूछा है तो आप ये जनरलाइज इक्वेशन ही डाल देना. इस इक्वेशन में जब हम डिराइव करेंगे इक्वेशन, उसमें अगर आप थीटा कितना ले लोगे 0 तो आपको मिल जाएगा एक्सिस पे, और थीटा कितना ले लोगे 90 तो आपको मिल जाएगा इक्वेटर पे. ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है. ओके, डेरिवेशन करते ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा. ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से क्या होता है पॉजिटिव. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर डाइपोल. ये हो गया डाइपोल, डाइपोल मोमेंट क्या है पी. सो फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू इस डायरेक्शन में डाइपोल है. मुझे तो डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. ओके, मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा डाइपोल है ना, दिस वन, ये पी, उसके दो कंपोनेंट कर देता हूँ, दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ. जो थीटा के साथ होता है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है. तो स्टूडेंट ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा, इसको मैं और थोड़ा कैरी कर दूँ, ये पूरा कंपोनेंट कौन सा होगा, पी कॉस थीटा. थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट होता है हमेशा, कॉस थीटा. तो ये हमारा पी था और थीटा बना रहा है, तो कौन सा कंपोनेंट मिला पी का, पी कॉस थीटा. अब कॉस का जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है वो होता है साइन कंपोनेंट. तो देखो ये आपका पी कॉस थीटा, इसको मैं 90 डिग्री कंपोनेंट बना दूं, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, तो ये मिलेगा मुझे. देखो ये पी कॉस थीटा है तो ये हमें मिलेगा पी साइन थीटा, ये पूरा दिस कंप्लीट. तो ये कंपोनेंट मिला हमें पी साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट मिला हमें पी कॉस थीटा. अब हमने दो डाइपोल जो हमारा पी था उसके दो हिस्से कर दिए, एक पी कॉस थीटा एक पी साइन थीटा. अब तो बहुत ही इजी हो गया डेरिवेशन. पॉइंट पी पे एक डाइपोल पी कॉस थीटा की वजह से इफेक्ट लगेगी और एक पी साइन थीटा की वजह से इफेक्ट लगेगी. सो एट पॉइंट पी पोटेंशियल हमें किसकी किसकी वजह से मिलेगा, एक तो मिलेगा पोटेंशियल ड्यू टू दिस कॉस थीटा कंपोनेंट और एक मिलेगा पोटेंशियल ड्यू टू पी साइन थीटा कंपोनेंट. पोटेंशियल ये जो पी कॉस थीटा वाला है वो भी यहाँ पे कोई पोटेंशियल जनरेट करेगा और ये जो साइन थीटा वाला है वो भी कुछ जनरेट करेगा. अब स्टूडेंट पी कॉस थीटा का पोटेंशियल निकाल लेते हैं. पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल है आपका के पी बाय आर. लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये जो पी कॉस थीटा है ये पी कॉस थीटा की एक्सिस पे है पॉइंट पी. पॉइंट पी पी कॉस थीटा की एक्सिस पे बैठा हुआ है और अभी अभी हमने डिराइव किया था कि एक्सिस पे पोटेंशियल होता है के पी बाय आर स्क्वायर और इक्वेटर पे होता है 0. एक्सिस पे पोटेंशियल के पी बाय आर स्क्वायर और इक्वेटर पे कितना होता है 0. पॉइंट पी आपके पी कॉस थीटा की एक्सिस पे बैठा है तो आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ कौन सी फॉर्मूला लगा दो एक्सिस की और यहाँ कौन सी फॉर्मूला लगा दो इक्वेटर की. अभी अभी हमने फाइंड की तो पी कॉस थीटा की वजह से एक्सिस की फॉर्मूला के पी आर स्क्वायर. तो के पी बाय आर स्क्वायर में अब हमने पी कितना लिया है पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर. क्यों मैंने पी कॉस थीटा लिया, क्योंकि ये फॉर्मूला तो डाइपोल मोमेंट पी के लिए थी. अब हमारा डाइपोल मोमेंट हो गया है पी कॉस थीटा, पूरे डाइपोल के दो हिस्से कर दिए हैं, एक पी कॉस थीटा कंपोनेंट एक पी साइन थीटा कंपोनेंट. पी कॉस थीटा कंपोनेंट के लिए ये वाला पॉइंट एक्सिस पे है तो एक्सिस की फॉर्मूला लगा दी. क्या है एक्सिस की फॉर्मूला, के डाइपोल मोमेंट अपॉन आर स्क्वायर. और ये वाला जो साइन थीटा है, ये रहा साइन थीटा के इक्वेटर पे बैठा है पॉइंट पी, इसीलिए इक्वेटर की फॉर्मूला के हिसाब से कितना हो जाएगा 0. सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी एट एनी पॉइंट
विल बी के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। क्लियर? अब स्टूडेंट इसी फॉर्मूला में आप इक्वेटर की कंडीशन डाल दो। इक्वेटर के लिए कंडीशन क्या होती है? थीटा जीरो। तो देखो थीटा जीरो डालने पे आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगी, है ना। अगर यहाँ थीटा जीरो डालो कॉस जीरो हो जाएगा वन के पी बाय आर स्क्वायर, और अगर थीटा 90 डिग्री ले लो तो आपको मिल जाएगा जीरो। यानी कि अगर ये वाला मेरा पॉइंट अगर वो यहाँ एक्सिस पे बैठा होता तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला बन जाती, और अगर ये मेरा पॉइंट एग्जैक्ट ऐसे 90 डिग्री होता तो जीरो हो जाएगा। सो व्हाट वी डिड इन टुडेज लेक्चर वाज हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल उसकी एक्सिस पे कितना पोटेंशियल होता है के पी बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटर पे कितना पोटेंशियल होता है जीरो, और फिर हमने लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या फाइंड किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन डाइपोल कितना मिलेगा के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। पूरे क्वेश्चन में क्या किया, दो हिस्से कर दिए डाइपोल मोमेंट के। आपका डाइपोल मोमेंट था पी, पी के दो हिस्से कर दिए, एक कंपोनेंट पी कॉस थीटा एक कंपोनेंट पी साइन थीटा। अब पी कॉस थीटा की वजह से पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की फॉर्मूला एक्सिस वाली लगेगी। क्यों एक्सिस वाली? क्योंकि पी कॉस थीटा के एक्सिस पे बैठा है पॉइंट पी, और पी साइन थीटा के इक्वेटर पे बैठा है पॉइंट पी। तो इसके लिए एक्सिस की फॉर्मूला, इसके लिए इक्वेटर की फॉर्मूला। एक्सिस की फॉर्मूला है के डाइपोल अपॉन आर स्क्वायर, इसीलिए के डाइपोल अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वेटर पे तो जीरो, एंड वी गॉट द फॉर्मूला के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यस। इफ वी पुट थीटा इक्वल्स टू जीरो वी गेट के पी बाय आर स्क्वायर, इफ वी पुट थीटा इक्वल्स टू 90 वी गेट जीरो। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर यू एग्जाम में। आपको ये याद रखना है कि कोई भी पॉइंट कहीं भी बैठा है, आपको सिर्फ पी पता है थीटा पता है, आपको उसका पोटेंशियल मिल जाएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। सो कंप्लीटिंग द लेक्चर टुडे ओवर हियर ओनली, विल सी यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।